हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल ए टू जेड ट्रिप पे। दोस्तों, मैं जा रहा हूँ मार्केट, यानी कि मैं आपको आज अपना पूरा मार्केट दिखाऊंगा जो मोहनिया का मार्केट है और जो चांदनी चौक से स्टार्ट होता है और फिर स्टेशन रोड तक जाता है, जिसका नाम है स्टुवरगंज। क्योंकि जब मैं ब्लॉग बनाया था अपने सिटी का, तो मैं हाईवे ही दिखाया था। जो हाईवे दिख रहा है, ये मैं इस साइड से होके गया था और पूरे हाईवे को पार करता हुआ सिटी के आखिरी तक, उसके बाद फिर उस पार गया, फिर मैं उधर से घूम के फिर मैं आया था। तो बहुत लोगों ने बोला कि आपने मार्केट ही छोड़ दिया, मेन मार्केट तो दिखाया ही नहीं। तो मैं सोचा कि चलिए एक ब्लॉग में मैं आपको पूरा मेन मार्केट दिखाऊंगा जो स्टुवरगंज है। काफ़ी रश रहता है और अभी लगभग 2 या 2:30 बज रहे हैं, तो काफ़ी रश होगा, बाज़ार जमा होगा एकदम। तो उसी में हम लोग चलेंगे और मैं आपको पूरा दिखाऊंगा स्टुवरगंज कैसा मार्केट है, क्या है। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो मेरे लिए स्पेशल है और मेरे लिए नया है। तो चलिए मैं पेश करता हूँ अपना MT हेलमेट। इधर लगा हुआ है मेरा MT हेलमेट और मैं इसे अभी हाल फिलहाल में ही ख़रीद के लाया था और सब कुछ सेटअप वोटअप इसमें करके थोड़ा आज अभी रेडी किया हूँ। तो सोचा कि इसी बहाने थोड़ा इसका टेस्ट भी हो जाएगा, सब कुछ सेटअप सही है या नहीं है, माइक वगैरह सब अच्छे से लगे हैं या नहीं लगे हैं। और इसको पकड़ने से एक अलग ही फीलिंग आती है और मैं आपको 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूँ कि क्या है। तो इसका जो ब्रांड है वो MT है और ये डॉट सर्टिफाइड है, यानी कि ISI जो मार्का होता है उससे 2 कदम और आगे। और ये कुछ ऐसा लगता है पीछे से और आगे से कुछ ऐसा है, साइड से कुछ ऐसा है, सामने मैंने अपना कैमरा जो है माउंट किया हुआ है, इस साइड से कुछ ऐसा है। तो कुछ ऐसा है, मान लीजिए अनबॉक्सिंग हो गया, क्योंकि मैं अनबॉक्सिंग सोचा कि क्या पन्नी फाड़ू दिखाऊँ, कितना सब कुछ सेट किया, बोला कि अब लगाएंगे तो लोग देख ही लेंगे क्या है कैसे है। तो कुछ ऐसा है और अब इसमें ये डॉट प्रूफ है, डॉट से सर्टिफाइड है, तो जाहिर सी बात है काफ़ी मजबूत हेलमेट है और काफ़ी थोड़ा सा वेट भी है। अगर इसकी वेट की बात की जाए तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 106 ग्राम ECE.  सर्टिफाइड MT हेलमेट और इसका मॉडल जो है वो Thunder 3 है। तो कुछ ऐसा है MT हेलमेट। और अब रेट वगैरह नहीं पूछिएगा क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली मुझे पड़ा, क्योंकि अपन तो थोड़े से अफोर्डेबल वाले हैं, मिडिल वाले हैं, तो किसी तरह काम चलाने वाले हैं और MT का हेलमेट एक ही बार ख़रीद लेना थोड़ा सा मुझे। फिर भी जहाँ तक अगर सेफ्टी की बात है तो मैं बोला कि अपन खाने में थोड़ा सा कम खा लेंगे लेकिन सेफ्टी में थोड़ा सा और पैसे डाल के अच्छा सेफ्टी ले लेते हैं, तो इसीलिए मैंने MT का हेलमेट ले लिया। और अगर इसका अगर लिंक वगैरह मिलता है कहीं, क्योंकि मैंने ये ऑनलाइन पहले तो सर्च किया, मिला नहीं MT का थंडर 3, और उसके बाद फिर मैं स्टोर से ही जाके लिया, काफ़ी लंबा जाना पड़ा क्योंकि मेरे यहाँ लोकल तो मिलता नहीं है, तो मैं थोड़ा सा राइड करके गया लंबा, उधर से ख़रीद के फिर लेकर आया। तो अगर लिंक मिलता है तो मैं दे दूँगा। तो चलिए मैं आपको अपना मार्केट दिखाता हूँ, इन्जॉय करिएगा।난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 तो फ्रेंड्स, हम लोग चांदनी चौक पे लगभग आ ही गए हैं। थोड़ा सा रस कम है, भीड़ भाड़ आज पता नहीं क्यों, हो सकता है थोड़ा सा भी दोपहर का टाइम है तो इसीलिए, नहीं तो अक्सर यहाँ पे जाम तो लग ही जाता है। छोटा सा रास्ता है और ट्रैफिक का कुछ तो ऐसा है नहीं, जो जिधर से गया उधर से ही घुसे जा रहा है, सबसे पहले मुझे ही जाना है। देखिए जैसे इनको घुसे जा रहे हैं जबकि उधर से आ रहा है, तो भी फिर उधर से लगा देता है गाड़ी। तो और अभी थोड़ा सा इसे मैं और ये चांदनी चौक, ये और ये अपना चांदनी चौक है और ये जो है हनुमान मंदिर,
तो चलिए पहले जय बजरंग बली बोल लिया जाए। तो ये सामने है जय बजरंग बली बोल लिया जाए। तो चलिए चलते हैं चांदनी चौक। और ये जो मार्केट है ये है अपना स्टुवरगंज। बाकी ये पूरा रोड तो मैं आपको दिखाया ही हूँ, मेरे पहले ब्लॉग में आप जाके देख सकते हैं वीडियो में, या फिर मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यहाँ पे वन वे एकल दिशा मार्ग, और अभी ये थोड़ा सा अतिक्रमण मुक्त हो चुका है, नहीं तो इसमें आदमी तो गाड़ी तो क्या आदमी भी नहीं चल सकता था। तो चलिए यहीं से स्टार्ट हो जाता है, दुकानें दोनों तरफ, और एंजॉय करते हुए। अभी हाल फिलहाल में तो कहीं कुछ खुला ही नहीं अच्छे से कि आदमी जाए, और बहुत दिन से पेंडिंग था अपना मार्केट घुमाने के लिए आपको, तो सोचा आज घुमा ही देता हूँ। और एक बार बात आपको बता दूँ कि धीरे धीरे देख ही रहे हैं कि एमटी का हेलमेट वगैरह सब कुछ ले रहा हूँ, इसका मतलब कि मेरा कहीं जाने का प्लान बन रहा है राइड का। तो जैसे ही वो कंफर्म होता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तब तक ये इन्जॉय करिए स्टुवरगंज मोहनिया। सीधा चलते चलते हम लोग कॉर्नर पे आ गए। रास्ता थोड़ा सा कंजस्टेड है क्योंकि मार्केट है पूरा, तो आप फोर व्हीलर लेके आएंगे तो फंस ही जाएंगे, बाइक से ही निकल सकते हैं, नहीं तो फिर पैदल पैदल घूमते रहिए। और ये हाईवे से जो मैं शुरू किया था घूम के इस मार्केट में आया था, और इधर से होते होते ये सीधा स्टेशन रोड में निकल जाएगा। सारे चीज़ की दुकान आपको इसमें मिल जाएंगी। तो चलिए एंजॉय करिए।널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going 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 crazy फ्रेंड्स, ये जो मार्केट है यहाँ तक आता है और यहाँ पे स्टुवरगंज जो है वो ख़त्म हो जाता है, फिर वहाँ से ओह माय गॉड ये क्या है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी क्या है, ये रोड है, आपको दिख रहा है रोड, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आवास, ओह माय गॉड, उनके सामने ऐसा रोड, श्री रघुनाथ सिंह बीपीएस, यानी कि एक तरह से जो हम लोग का अनुमंडल है उसके जो मेन है पदाधिकारी उनका ये आवास है और उनके सामने ये रोड। अगर आप स्टुवरगंज में रोड से इंटर करते हैं तो गलती से भी इधर मत सोचिएगा स्टेशन रोड। वैसे पैदल पैदल तो है रास्ता, गाड़ी भी है, अब आप लोग के चलते मैं गाड़ी कुदा ही दिया, पता नहीं ज़्यादा दिन बाद इधर आ रहा हूँ। और बारिश दो दिन पहले हुई थी, वो भी थोड़ा सा बारिश, और इस थोड़े से बारिश में ये हाल है इस रोड का, तो सोच सकते हैं कि अगर बारिश होती होगी तो क्या होता होगा, पता ही नहीं चल रहा है कितना गड्ढा है। तो स्टुवरगंज जब ख़त्म होता है तो कुछ इस टाइप का रोड स्टार्ट होता है, और ये रोड सीधा आपको स्टेशन रोड में मिलेगा, और फिर आप स्टेशन रोड से फिर से आप हाईवे पर जा सकते हैं या फिर स्टेशन जा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ से निकला जाए।
उम्मीद नहीं थी मुझे कि ऐसा रास्ता मिल जाएगा मुझे, क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही है। दो दिन पहले हुई थी तो वैसे में ऐसा, यही है मोहनिया नरक पालिका। लोग इसको नगर पंचायत बोलते हैं, मोहनिया नगर पंचायत हो गया है। गड्ढे में गया, नगर पंचायत है लेकिन ये तो नरक पंचायत लग रहा है। मेन रोड भी ऐसा जो जिस रोड पे इस अनुमंडल का हेड रहता हो, अनुमंडल पदाधिकारी का आवास हो, और उसका रोड ऐसा सेम है, क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स किसी तरह राइड करते कराते बचते बचाते आ गया मैं स्टेशन रोड पे। और ये स्टेशन रोड, इस साइड जाइएगा तो स्टेशन और इस साइड चले जाइएगा तो फिर से आपको हाईवे मिलेगा। तो मैं जा रहा हूँ हाईवे की साइड में, और थोड़ा सा एक दुकान पे काम भी है तो पूछ लेता हूँ, आया हूँ तो। और अनिल भैया क्या हाल चाल? और ये हैं मेरे अनिल भैया। अरे गजब कैमरा भी है क्या इसमें? और यहाँ पे मैं थोड़ा सा सामान लिया था, छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक्स दिया था इनको, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा ले भी लिया जाए। A few moments later. आप देख रहे हैं मैंने तो होगा तो बताइए। ठीक है, आपको काम में डाल दीजिए। तो अनिल भैया चलते हैं, काम हो गया फ्रेंड्स। रिकॉर्ड की कि नहीं? तो अब चलते हैं घर पे। तो फ्रेंड्स वापस लोग हाईवे पे आ गए हैं, थोड़ा सा मुझे काम था उधर तो हो गया, और अब हाईवे पे सोच रहा था। एक्चुअली मुझे अपने बाइक का टायर भी चेंज करवाना है, तो एक MRF का शोरूम है वहाँ पे जाके थोड़ा प्राइस वगैरह पता कर लें या ना करूँ। चलिए MRF के शोरूम पे और पता ही कर लेता हूँ आखिर है कितने का, क्योंकि टायर तो चेंज करना है। साइड है, अब मुझे उस साइड से जाना है लेकिन इधर से आप उस पार जा नहीं सकते, इसलिए नीचे नीचे ही जाना पड़ेगा। तो चलिए एंजॉय करिए, मिलते हैं अब MRF के शोरूम पे, और थोड़ा सा प्राइस वगैरह पता कर लूँ कि कितना लगेगा टायर का, उसके बाद फिर चेंज करा लिया जाएगा। तो एक MRF का शोरूम एकदम लास्ट में है, तो वहाँ पे चला जाएगा। मेरे यहाँ कुछ हो या ना हो, एक बात तो है कि शौकीन तो बहुत लोग हैं। देखिए रॉयल इनफील्ड, तो कुछ का मिले या ना मिले लेकिन रॉयल इनफील्ड तो जरूर मिल जाएगा। आइए बुक करिए, ले जाइए। लेकिन अपन अवेंजर वाले हैं, नॉट इंटरेस्टेड इन इनफील्ड। अवेंजर इज द बेस्ट राइडिंग बाइक्स फॉर मी। ओके डन।네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다. 그런 나를 넌보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going 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 crazy. I'm going 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 crazy. 무뎌져
जाना पड़ेगा उस साइड, शायद अब आपको दिख रहा होगा MRF उस साइड है, तो चलते हैं उस साइड, पता करते हैं अपने बाइक का टायर विथ ट्यूब। देखना जरूरी है भाई, ये हाईवे है तो आ गए अपने MRF पे। चलिए पता कर लेते हैं कितने का टायर है। मैं यहाँ पे टायर के लिए आया था, लेकिन आगे का टायर है, पीछे का टायर जो है वो ट्यूबलेस है, लेकिन मेरी गाड़ी में तो ट्यूब वाला टायर लगता है, तो मैंने ऑर्डर लिखवा दिया है और अब बोले हैं कि दो तीन दिन में आ जाएगा। फिर अभी महीने में आता हूँ मैं और फिर देखता हूँ कि टायर वगैरह चेंज कराना है। और प्राइस की तो ये बोले कि पिछले का जो पिछला टायर है वो 2500 के आसपास आएगा और आगे का जो है वो 1600-1700 के आसपास आएगा, कुछ ऐसा है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पेंट करते हैं, उम्मीद है कि आपको इंजॉय आया होगा स्टुवरगंज और हमारे यहाँ का रोड देखकर, जो इस अनुमंडल के जो अधिकारी हैं उनकी घर के सामने का रूप उम्मीद है। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि अच्छे अच्छे राइड्स आने वाले हैं। I'm going crazy.